हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट अमन बोला, योर लीगल एडवाइजर। आप लोगों को पता है इंडियन पेनल कोड 1860 के सेक्शन 36 के अंदर क्या बता रखा है? तो इस सेक्शन के अंदर इफेक्ट कॉज पार्शली बाय एक्ट एंड इफेक्ट कॉज पार्शली बाय ओमिशन, यानी कि इसके अंदर ये बता रखा है कि कुछ करने की वजह से और कुछ ना करने की वजह से अगर कोई इफेक्ट कॉज हो जाता है जिसके अंदर हमारी कोई क्रिमिनल इंटेंशन होती है, यानी कि हमारी इंटेंशन होनी भी ज़रूरी है। अगर हम इंटेंशन के साथ कोई ऐसा काम करते हैं जो हमारे कुछ एक्शन करने की वजह से और कुछ एक्शन ना करने की वजह से कॉज हो जाता है और सामने वाले पर्सन की मौत हो जाती है या फिर कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है, यानी कि कोई भी क्रिमिनल उसके ऊपर हम कोई ऐसी चीज़ कर देते हैं जो क्रिमिनल चार्जेस लग जाते हैं हमारे ऊपर, हमें उसको करने की वजह से उसके ऊपर कुछ इफेक्ट कॉज हो जाता है, तो उसके ऊपर ये सेक्शन 36 लगेगा। यानी कि मैं आपको पहले डिटेल में बताना चाहूँगा, इफेक्ट पार्शली कॉज बाय एक्ट, यानी कि इसके अंदर ये बता रखे कि अगर हम कुछ करते हैं, ठीक है, अगर हमने कुछ करा, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारी किसी पर्सन के साथ कोई दुश्मनी है, ठीक है, तो और हमारी उससे दुश्मनी है, तो हमने क्या करा, हमने कुछ एक्ट करा, हमने एक्ट ये करा, हमने उसे मारा पीटा, ठीक है, मारना पीटा, और हमने एक्ट कॉज कर दिया पार्शली बाय एक्ट, और हमने साथ ही साथ उसके बाद क्या करा, हमने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा मतलब पार्शली बाय ओमिशन, ओमिशन यानी कि मतलब हमारी कोई ड्यूटी थी वो हमने पूरी नहीं करी, ठीक है, उसकी वजह से, यानी कि हमने उसे खाना देना चाहिए था, यानी कि हमने पहले उसे मारा उसके बाद हमने उसे खाना देना बंद कर दिया। जैसे कि अगर आप कोई, मान लीजिए अगर कोई जेल के अंदर है, कोई ऐसी कहीं भी कोई आप देख लीजिए कि प्लान करा गया या कुछ करा गया जिसमें इंटेंशन थी, ठीक है, तो उसके अंदर क्या करा हमने, सेकेंड स्टेप, हमने वहाँ पे हमारी ड्यूटी थी उसे खाना पहुँचाने की, हमने कुछ करा कि हमारी ड्यूटी थी हमें उसे खाना देने की, हमने उसे खाना नहीं दिया, और इसके अंदर हमारी क्रिमिनल इंटेंशन थी क्योंकि पहले हमने उसे मारा उसके बाद हमने उसे खाना नहीं दिया, ठीक है, उसके बाद वो रिकवर नहीं हो पाया, उसकी तबीयत ठीक नहीं रही, वो इतना वेल नहीं रहा और वो इस कारण की वजह से मर गया। तो अगर वो मर गया ना, तो उसके मरने के पीछे जो भी उसको मारा गया है, जो भी वो मर गया है, तो उसे मरने के पीछे जो सेक्शन लगेगा वो हमारे ऊपर लगेगा इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 36 के हिसाब से। इसके अंदर यही बता रखा है कि अगर कोई हम यूं इसे हम मारा हुआ जाएंगे, इसे मारा हुआ ही जाएगा कि अगर हमने किसी का मर्डर कर दिया, तो वो चीज़ आप ऐसा नहीं है कि आप ये कहोगे कि आपने कुछ नहीं करा तो इसके पीछे आपका मर्डर नहीं माना जाएगा या आपने उसे मार दिया तो उसकी वजह से नहीं माना जाएगा। अगर आपकी इंटेंशन थी, क्रिमिनल इंटेंशन थी, और साथ में आपने ये इस इंटेंशन के साथ करा कि उसे खाना नहीं मिलेगा और साथ में अगर हम उसे मार दें तो वो मर जाएगा, और अगर वो सच में मर जाता है, तो इसके हिसाब से सेक्शन 36 हमारे ऊपर लगेगा इंडियन पेनल कोड के अंदर, ठीक है। तो ऐसी लीगल टिप्स और बाकी सारे सेक्शन जानने के लिए मुझे फॉलो कर दे रहे हैं, थैंक यू।